हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टेक टीआरवी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, आजकल मार्केट में इतने सारे वायरलेस बर्ड्स आ गए हैं जो कि काफी जबरदस्त है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको तो टाइटल देख के पता चल गया रहेगा कि हम लोग करने वाले अनबॉक्सिंग रियलमी वायरलेस बर्ड्स का। सो देरी ना करते हुए फटाफट करते हैं अनबॉक्सिंग। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग न्यू है इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का टेक टीआरवी में। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले अनबॉक्सिंग रियलमी बर्ड्स का, और ये है बॉक्स उसी बर्ड्स का। और आप देख सकते हो कि बर्ड्स का यहाँ पे एक प्रिंटेडिंग दिया हुआ है कि कैसे दिखने में है, और ऊपर की तरफ आपको ब्रांडिंग मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे नीचे तरफ आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यह है रियलमी बर्ड्स वायरलेसली, जो कि एक ब्लूटूथ है और इसे सपोर्ट करता है ब्लूटूथ का वर्जन 5। तो गाइस, बॉक्स के लेफ्ट और राइट साइड में रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। साथ ही में अगर बॉक्स के बैक साइड में देखें तो यहाँ पे इसका डिजाइन दिया हुआ है, और साथ ही में यहाँ पे इसके काफी सारे फीचर्स के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैग्नेटिक कंट्रोल के ईयरबड्स मिल जाएंगे, यहाँ पे 11.2 mm का बेस बूस्ट ड्राइवर मिलता है जो कि एक साउंड क्वालिटी जो इस बर्ड से आएगी। साथ ही में यहाँ पे आपको 12 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलेगा। यहाँ पे जो नेकलेस मिलेगा वो काफी फ्लेक्सिबल होगा, इसे सपोर्ट करता है ब्लूटूथ का वर्जन 5, और ये एक स्वेट प्रूफ है जिसका IPX है वर्जन 4। और इसके प्राइस की बात करूँ तो ये है 1799 रुपए का, जो कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, साथ में आपको realme.com पे भी मिल जाएगा। तो गाइस, देरी ना करते हुए फटाफट करते बॉक्स को ओपन। तो ये एक ऊपर के पार्ट को कट कर लिया, और उसके बाद यहाँ के पार्ट को कट कर लिया, और ऊपर की तरफ अगर हम लोग निकाले तो यहाँ पे आपको मिलेगा रियलमी का बर्ड्स। सो एज यू कैन सी कि येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफी जबरदस्त है, और ये बर्ड्स है यहाँ पे वो भी अपने ईयर टिप्स के साथ। सो गाइज, यहाँ पे तो एक बात हो गया, लेकिन अगर इस बॉक्स के नीचे हम लोग यहाँ पे टेयर अप करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक छोटा सा पार्ट जिसके अंदर कुछ रखे हुए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि यही आपको इसके अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले रियलमी बर्ड्स का डॉक्यूमेंट्री, और उसी के साथ मिलेगा यहाँ पे आपको एक छोटा सा माइक्रो USB का केबल, और यहाँ पे कुछ है टिप्स ईयरबड्स के लिए। सो सभी चीज़ों को रखते हैं साइड में, और बात करते हैं हम लोग हमारे इस वायरलेस ब्लूटूथ रियलमी बर्ड्स के बारे में। रियलमी का नेकलेस है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, किसी भी तरह इसे फोल्ड कर सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा है। इसका क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, इसकी फीलिंग काफ़ी अच्छी है, और मेरे को लगता नहीं कि इससे ज़्यादा स्वेट होएगा। और इस ईयरबड्स के लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी रियलमी की ब्रांडिंग, और बाकी काफ़ी प्लेन है तो ये रियलमी की ब्रांडिंग ही यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर राइट साइड में देखें तो यहाँ पे हमें कुछ कंट्रोल्स मिलता है, जैसे ऊपर और नीचे प्लस माइनस बटन जिससे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, साथ यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाती है, और सेंटर में आपको मिल जाता है रियलमी की ब्रांडिंग जो कि R ब्रांडिंग है, और यहाँ पे आप इससे ही प्ले पॉज या फिर कॉल अटेंड और अनअटेंड कर सकते हो इसी R के थ्रू। सो गाइज, ये तो है इस कंट्रोलर के बारे में, इस रियलमी के बारे में। लेकिन इसकी वायर की क्वालिटी देखे तो है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी बड़ी है, जो बाकी ईयरफोन्स के अकॉर्डिंगली इतनी भी पतली नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, तो यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रिप्स काफ़ी ज़बरदस्त है, और अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ईयरबड्स के एडिशनल दिया हुआ है जिससे आपके ईयर में काफ़ी अच्छे से बैठ जाएगा। इस रियलमी बर्ड्स को ऑन ऑफ करने का तरीका काफ़ी अलग है, जैसे कि बाकी सब लोग में रहता है कि जो सेंटर का बटन होता है या फिर जो साइड का बटन होता है वहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन दिया जाता है, बट इसके अंदर अगर आप लोग यहाँ पे जो ईयरबड्स है इसे आप डी अटैच करोगे मैग्नेट से, सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और यहाँ पे आपका ब्लिंकिंग चालू हो जाएगा, ये ब्लूटूथ चालू हो गया है जैसे ही आप डी अटैच करते हो इसे वायरलेसली। ओके, अगर मैं इसे टच कर दूँ वापस इसे मैग्नेट को तो ये ब्लूटूथ विद इन अ 5 मिनट्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, जैसे कि आप लोग ने देखा अभी रेड लाइट आया, और अभी मैं इसे डिस्कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ये ब्लू लिंक स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसे हम लोग चार्जिंग करते उस समय यहाँ पे रेड लाइट आएगा कंटिन्यूसली, और जैसे ये चार्जिंग फुल हो जाएगा ये ब्लू लाइट ऑन हो जाता है। सो गाइस, क्या करते हैं अभी हम लोग पैर करते हैं हमारे स्मार्टफोन से। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर मैंने ब्लूटूथ का ऑप्शन चालू कर लिया हूँ, और ऑन करते ही यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाएगा Realme Buds Wirelessly, सो इसे क्लिक करना है और ये झटपट से मेरे बर्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। सो गाइज, पैर हो गया है Realme Buds, as you can see it here,
और यहाँ पे एक लाइट आ रहा है जो कि काफ़ी लॉजिकली ब्लिंक हो रहा है। और इस मैग्नेट को अगर मैं बंद क्लोज लेके जाता हूँ तो ये डिवाइस ऑटोमेटिकली 5 मिनट्स के बाद या कुछ सेकेंड में बंद हो जाता है। और आप देख सकते हो कि मेरे फ़ोन से डिसकनेक्ट हो चुका है ये ब्लूटूथ। सो अगर मैं अभी इसे वो निकाल देता हूँ तो ये यहाँ पे एक ब्लू लाइट आएगा जिसे ब्लिंक करेगा और मेरे डिवाइस के साथ पैर हो जाएगा। एज यू कैन सी कि इन यूज़ फॉर कॉलिंग एंड मोबाइल मीडिया प्लेबैक। और यहाँ पे अच्छी बात है कि इसका 100% बैटरी लेवल है। सो ये मुझे ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे का चार्जिंग टाइम देगा। सो गाइज ये ब्लूटूथ अभी चालू है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं हम लोग इस आर के साथ, जैसे कि यहाँ पे आप प्ले पॉज कर सकते हो, इसे सिंगल क्लिक पे प्ले या पॉज करोगे म्यूजिक को, डबल क्लिक करोगे तो ये आपको नेक्स्ट सॉन्ग पे लेके जाएगा, ट्रिपल क्लिक करोगे तो आपको प्रीवियस सॉन्ग पे लेके जाएगा, सिंगल क्लिक पे ऑन और रिजेक्ट कॉल होता है। उसी के साथ यहाँ पे अगर आपको गूगल असिस्टेंट यूज करना है तो यहाँ पे बस आपको 1 सेकंड के लिए इस आर बटन को क्लिक करके रखना पड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ पे एक म्यूजिक प्ले करेंगे इस बर्ड्स में और देखते हैं कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो किस तरीके से आ रही है। सो मैं यहाँ पे म्यूजिक प्ले करता हूँ और मेरे फ़ोन की जो वॉल्यूम है पूरा फुल कर देता हूँ मेरे ब्लूटूथ की। साथ ही में अगर मैं यहाँ पे इसके वॉल्यूम को फुल कर दूँ तो मुझे तो आउटपुट कुछ आ नहीं रहा है बाहर, लेकिन होप सो कि ईयर में काफ़ी ज़बरदस्त आए। सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा आज के इस वीडियो में हम लोग ने अनबॉक्सिंग किया है रियलमी वायरलेस ब्लूटूथ बर्ड्स का, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी प्रीमियम है। और यहाँ पे जो आपको इसको नेकलेस मिलता है वो काफ़ी रोटेटिंग है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। इसकी वायर क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है और ये रन करता है ब्लूटूथ वर्जन 5 पे। यहाँ पे आपको स्वेट प्रूफ भी मिलता है जो कि वर्जन 4 है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ तो इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स के साथ आया है जो कि आज तक मैंने किसी और हेडफोन में नहीं देखा। इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी कॉन कॉल की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी माइक की जो आउटपुट है, जो मैंने जब ट्राई किया था इसे किसी से बात करने को तो वहाँ पे मैंने जब इसे टेस्ट किया तो सामने वाले को काफ़ी क्लियर साउंड जा रहा था, मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला इस हेडफोन से। जो मैंने ईयरबड्स पहन के देखा था, एज यू कैन सी ये काफ़ी अच्छे से ईयर में फिट हो रहा है और मुझे बाहर की ज़्यादा इतनी नॉइज़ नहीं आ रही है अगर मैं म्यूज़िक प्ले कर रहा हूँ तो। और अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी बैकअप की, यार 1.5 घंटे की चार्जिंग में अगर ये 10 से 12 घंटे का एवरेज आपको टाइमिंग दे रहा है तो पूरा दिन आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। इसकी जो MRP मैंने आपको बताया है 17,999 और ये आपको उसी MRP में मिलेगी, काफ़ी टाइम से ये वही MRP पे चल रही है। सो गाइज ओवरऑल देखा जाए इस ब्लूटूथ ईयरफोन को तो काफ़ी बहुत ही अच्छा है, वेल डिज़ाइंड है और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करोगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। अगर आप लोग न्यू इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग और जय हिंद।